मुझसे भिड़ने के लिए किसी मजबूत खिलाड़ी को लाना, क्योंकि चंदर की जिंदगी में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं होती। और एक बात और, अभी से ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें चंदर के मुकाबले का ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी। गलती मेरी है, मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि वो नमक हराम चंदर करण की मौत के सबूत उसने मिटाए हैं या नहीं। अरे मैं ये कैसे भूल गया कि जिस शख्स को पैसा देकर मैं खरीद सकता हूँ, वक्त आने पर वो शख्स किसी और के हाथों में बिक सकता है। सांप को दूध पिलाने से वो पालतू नहीं हो जाता, दूसरों को डसने का स्वभाव छोड़ नहीं देता। वो चंद्र ने मुझसे विश्वासघात किया है, मेरा भरोसा तोड़ा है उसने। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अपनी इस गलती का खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। अपना रास्ता अब मुझे खुद साफ करना होगा। राधा मेरी बेटी है, उसकी रगों में मेरा खून है, और वो भी कम जिद्दी नहीं है। मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि राधा को इस बात की भनक भी ना लगे कि करण का कत्ल मैंने करवाया है। मुझे इस खून का हर वो निशान मिटाना होगा जो मेरी तरफ आता है। हाँ, मिटाना ही होगा। क्या करिए, ढूंढो अपना। कितना लेट हो गया ना, राधा और राजा भी तक नहीं आए। आ रहे होंगे संजू, सबर कर। रितु बेटा, ये जरा पंडित जी को दे आना। संजू आंटी, मैं तेरे घर पे मेहमान हूँ और तू मुझसे काम करवा रही है। तू मेरे घर पे आना, फिर तुझे बताऊंगी। I'm so sorry, मैं भूल सकती हूँ कि तू मेहमान है, लेकिन मम्मा कैसे भूल गई। I'm so sorry रितु, मैं पंडित को दे आती हूँ। संजू, हम तेरी सहेलियाँ हैं और यहाँ तुझे हेल्प करने के लिए आए। मुझे तो ये डर है कि अगर तूने शादी के बाद भी ऐसी बेवकूफियां की तो तेरा क्या होगा। पता नहीं। अच्छा, ला मुझे। अरे काम करना तो बेवकूफी थोड़ी ना होती है। हट पागल, मैं देख आती हूँ पंडित जी को। मैंने कहा मैं देख आऊंगी। अरे तुम लोग पूजा में भी लड़ोगे? अरे ये मेहमान है ना, तो कैसे देकर आएगी फूल। कम ऑन यार, तू भी है ना। अरे संजू, सारे दोस्त आ गए, अब पूजा शुरू करनी चाहिए। मम्मा दो मिनट रुक जाना प्लीज, बस राधा राजे आते ही होंगे। लेकर आ गई, मैं लेकर आती हूँ। रुक रुक रुक, अरे अच्छा आ जा आ जा आ जा। तेरी कहानी। आओ ना, अंदर आइए। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अरे बताती हूँ ना, सब बताती हूँ। पहले ये बताओ तुम दोनों कैसे हो? अच्छे हैं। हम तो ठीक हैं, लेकिन तो कुछ बदली बदली नजर आ रही है। बदली बदली मतलब ये कि तू बहुत अच्छी लग रही है। जानती है मेरी अम्मी क्या कहती है, कि शादी के बाद अगर लड़की की खूबसूरती बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा, राधा जी को तो आप जानती हैं, ये हैं अजय, राधा के हस्बैंड। जीते रहो, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की, कहीं किसी की नजर ना लगे। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चलो बच्चों, पूजा की तैयारी हो गई। पापा। हाँ बेटा। पापा ये हैं अजय, राधा के हस्बैंड। जी दे दो, बैठिए। पवित्र पवित्र सर्वावस्थां गतोऽपि पुंडरीकाक्ष पुनः पृथ्वीषु पयोदिवंतरिक्षेदुंड महाकाय निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सिद्धिकर्ता सिद्धिकर्ता लक्ष्मकर्ता लक्ष्मत स्वामित वृक्षपालो भवः भगजान गणपति महाराज की। ओम विष्णु नराणमसी विष्णु शनप्रेस्तु विष्णु सूरसी।
बेटी, इस पवित्र जल को सारे घर में छिड़का दीजिए ताकि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। यजमान जी, आपकी बेटी बहुत गुणवान है, जिस घर में जाएगी वहां सुख समृद्धि लाएगी। आप संजना को जानते ही है पंडित जी, माता पिता होने के नाते हमने संजना को अच्छे संस्कार दिए हैं। संजना के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है, बस उसे एक अच्छा घर मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। आप लोगों ने इसके लिए कोई लड़का देखा है? जी नहीं पंडित जी, अभी तो कोई नहीं है, वैसे कोशिश की जा रही है। हमारी बेटी की तरह ही एक संस्कारी लड़के की तलाश है हमें। उसकी किस्मत में जो होगा वही उसे मिलेगा। संजना मेरी बेटी के समान है, मेरी नजर में एक लड़का है जो NRI है, अच्छा, गुणवान, सुंदर, इस युग में ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। पंडित जी, अगर लड़का इतना अच्छा है तो हमारी बात कराइएगा ना, संजना को एक अच्छा जीवन साथी मिले, और हमें क्या चाहिए। हाँ पंडित जी, संजना बेटी के लिए हमारी एक बार बात कराइए। बात तो मैं करा ही दूंगा, पहले वो लड़की की तस्वीर पसंद कर लेंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। लेकिन पंडित जी, संजू ने भी उस लड़के की तस्वीर नहीं देखी है, वो तो उसे जानते तक नहीं है। बेटा, वो तो संजना को भी नहीं जानता, एक बार तस्वीर पसंद कर ले तो वो बात पक्की समझ ले। पंडित जी, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तस्वीर पसंद करने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की काबिलियत को जानना जरूरी है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं बेटा, हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, पहले लड़की पसंद की जाती है, उसके बाद रिश्ते की बात होती है, यही हमारी परंपरा है। बस एक बार हमारी संजना उस लड़के को पसंद आ जाए, फिर बहुत जल्दी शादी हो जाएगी और तुम सबको शादी में आना होगा। उसकी फिक्र तो आप बिल्कुल मत कीजिए आंटी, हम तो बिन बुलाए भी आ जाएंगे। पर आंटी, क्या आप उस लड़के के बारे में जानते हैं कि वो काम क्या करता है? क्या वो इतना कमाता है कि हमारी संजू को खुश रख सकेगा? बेटा, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, पंडित जी को ही पता होगा। वैसे पंडित जी कह रहे थे कि वो बिजनेस करता है, इसका मतलब वो अच्छा ही कमाता होगा। बस एक बार बात बन जाए तो उसके बारे में भी जान लेंगे। वैसे पंडित जी संजना का भला ही चाहेंगे, उसके लिए उन्होंने अच्छा ही लड़का चुना होगा, मेरा तो पूरा भरोसा है। आंटी, संजू कहीं दिखाई नहीं दे रही है? बेटा, वो पड़ोस में प्रसाद देने गई है, बस आती ही होगी। मैं देखती हूँ। संजू, तू यहाँ है? अरे हाँ, सॉरी, मैं बगल वाली आंटी के घर में प्रसाद देने गई थी। तूने खाना खा लिया? तूने मोतीचूर के लड्डू खाए? मैंने स्पेशली तेरे लिए मंगवाए थे, कैसे लगे? खा लिए, बहुत अच्छे थे। क्या हुआ रे तू? तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, सब ठीक तो है ना? संजू, इस घर में तेरी शादी की बात चल रही है और तुझसे एक बार पूछा तक नहीं गया।
अब ऋतु, मुझे क्या पता था कि पूजा के बाद पंडित जी मेरी शादी की बात करेंगे। अब ठीक है ना, कभी ना कभी तो शादी होनी ही थी, वो भी मम्मी पापा की पसंद से, तो ठीक है। संजू, तू किसी को जाने बगैर अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिता सकती है? रितु, मम्मी पापा मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आज तक उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है, अच्छे बुरे की पहचान करवाई है, तो आज भी वो मेरे लिए जो भी रास्ता चुनेंगे वो अच्छा ही होगा, और उन्हें मेरी खुशियों की मुझसे ज्यादा परवाह है, समझी? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तेरे पेरेंट्स तेरा बुरा चाहते, उन्हें तेरी परवाह है। बचपन से लेके हमारे माँ बाप हमें हर कदम पे चलना सिखाते हैं, ताकि बड़े होकर हम सही और गलत का फैसला खुद कर सके। ये तेरी आने वाली जिंदगी है, तुझे जीनी होगी, यहाँ पर तुझे कोई कदम कदम पर राह नहीं दिखाने वाला है, तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। और इस जिंदगी की शुरुआत करने से पहले इस जिंदगी का फैसला तुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? भगवान ना करे अगर वो लड़का गलत निकला तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी संजू। रितु, रितु तुम क्या बात है रितु बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अंकल, ये शादी का फैसला बार बार नहीं किया जाता, एक ही बार किया जाता है। इस फैसले में संजू को अपनी पसंद से अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। उस लड़के की हाँ या ना पे संजू की सारी खुशियां निर्भर करती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस हाँ या ना में लड़की का दिल कितनी बार टूटता है? भले ही वो लड़का किसी लायक हो या ना, मगर पहली राय उसी से ली जाएगी। आप ही बताइए, क्या हमें संजू से एक बार उसकी पसंद या नापसंद के बारे में पूछना नहीं चाहिए? कितनी काबिल है ये? क्या आपको नहीं लगता कि संजू एक बहुत अच्छा पति डिजर्व करती है? रितु बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि संजू को एक समझदार और एक नेक पति मिले। पंडित जी ने लड़के के बारे में कहा है तो वो काबिल ही होगा, और वैसे भी संजना की शादी तो हमें एक ना एक दिन करनी ही है। ऐसे फैसले तो ऐसे लेने ही होंगे रितु बेटा। ठीक है अंकल, मुझे घर पे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। संजू, तू शाम को घर पे आ जा। अरे रितु, कहाँ रह गई थी तू? कब से हम तेरा वेट कर रहे थे। कुछ नहीं, मैं संजू से बात कर रही थी। होगी तेरी बातें बातें, अब चले, बहुत देर हो चुकी है। आंटी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बेटा आते रहना, तुम लोगों के आने से मेरा मन लगा रहता है। ठीक है आंटी, नमस्ते। बाय बेटा। नमस्ते। अच्छा बेटा। ओके आंटी, बाय बाय। तुम्हारी दोस्त रितु को देखकर नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में कभी भी सीरियस हो सकती है? वो आज काफी अग्रेसिव लग रही थी। हाँ, ऐसी है रितु। उसका मानना है कि एक औरत और मर्द को समाज में एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए। एक औरत को भी अपनी पूरी जिंदगी जीने का पूरा हक है। इसीलिए जब संजना का रिश्ता बिना संजना की मर्जी से तय होने जा रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक उसकी सोच गलत नहीं। तो क्या तुम भी यही मानती हो कि माँ बाप को बच्चों की शादी का फैसला लेने के लिए
उनसे पूछना जरूरी है। Of course. इसमें गलत क्या है? शादी के बाद एक बेटी को ही तो अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बितानी है जो उसके माता पिता ने उसके लिए चुना है, और अगर वो उस इंसान को ठीक से जान नहीं पाएगी या उसकी पसंद उसके माता पिता से नहीं मिलेगी तो उसकी पूरी जिंदगी बस एक समझौता बनकर रह जाएगी। और एक औरत जो एक माँ बनकर, बेटी बनकर, पत्नी बनकर जिंदगी के हर रिश्ते को निभाती है और अपने सारे सपने भुला देती है ताकि उसके पति के, उसके बच्चों के सारे सपने पूरे हो सके, तो कम से कम उसे अपने जीवन साथी को चुनने का तो पूरा मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या राधा, हमारे इस रिश्ते के बारे में तुमसे पूछा गया? अजय, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? राधा, तुम्हें देखे या जाने बगैर ही मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन तुमको देखने के बाद मुझे अपने फैसले पर मेरा यकीन और भी मजबूत हो गया है। मैम, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिटेल्स हैं, मैंने इन्हें वर्कआउट कर लिया, रवि सर ने आपको देने के लिए कहा। अच्छा, वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब। मैं इसे आज स्टडी कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू। एक वक्त था जब इसी ऑफिस के एम्प्लॉय की तरह मैं रिपोर्ट हाथ में लेके बॉस के पास जाया करती थी, और आज वक्त कितना बदल गया है दिव्यानी, और ये वक्त तुमने बदला है। तुमने खुद, जो लोग पहले मुझे जानते भी नहीं थे, वो लोग ना सिर्फ मुझे जानते हैं बल्कि मान भी दे रहे हैं। ये मान सम्मान मुझे इसीलिए मिल रहा है कि मैं यशपाल की बहू हूं, लेकिन कल मेरी इसी ऑफिस में ज्यादा इज्जत होगी जब ये ऑफिस मेरा होगा, जब मैं इस ऑफिस की बॉस होंगी, मालकिन होंगी, यशपाल की बहू नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है।